Hello friends, welcome to Tapasvi IAS. In this video, we will discuss about the National Register of Citizenship. This course is presented by me, Kailash Kewal. Before we start the topic, I want to tell you we are launching our video course of all subjects like history, geography, art and culture, environment, polity, economy, science and tech, and IR. You can get all these courses. Please send your details on info@upsciseexam.com. Please register before 13th of May, and you can get these video lectures only on 4999 if you register before 13th of May. देखिए start करते हैं बात. ये NRC है जो है क्या नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर. देखिए इट इज़ अ लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी कि जो लिस्ट है भारतीय नागरिकों की एक सूची है जो ये तय करने के लिए है कि कौन सा भारतीय नागरिक और कौन सा नहीं है. और जो लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं और जो लोग पंजीकरण में शामिल नहीं है यानी कि पंजीकरण शामिल होने विफल रहते हैं उन्हें अवैध प्रवासी के नाम से जाना जाता है, जिनके से आप लोगों ने देखा होगा NRIs वगैरह कहा जाता है. और द NRC कंटेन्स नेम ऑफ इंडियन सिटीजन ऑफ असम, यानी कि असम के भारतीय नागरिकों के नाम शामिल हैं. और आप लोगों ने देखा होगा ये मुद्दा इस समय न्यूज़ में भी रहा है कि असम के लिए कि अद्यतन जो राष्ट्रीय नागरिकों का पहला मसौदा हाल ही में असम सरकार द्वारा ये प्रकाशित किया गया था. समझते हैं इसका, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं. ये बैकग्राउंड क्या है कि NRC जो है वो प्रिपेयर्ड फर्स्ट इन 1951, सबसे पहले 1951 में प्रिपेयर किया गया था आफ्टर द कंडक्ट ऑफ सेंसस ऑफ 1950, यानी कि 1951 की जनगणना से पहले. और NRC में अब तक उन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कहा जाएगा या वो जो NRC 1951 में दिखाई देते हैं या उनके जो वंशज वगैरह हैं उनके हैं, या फिर ये किसी भी चुनावी रोल में 24 मार्च 1971 के मध्य रात्रि तक या किसी अन्य स्वीकार्य में 24 मार्च 1971 के मध्य रात्रि तक जारी किए गए दस्तावेजों में इनके नाम अगर शामिल है, और 24 मार्च 1971 या उससे पहले भारत में या भारत के किसी भी हिस्से में उनकी मौजूदगी अगर साबित होती है तो उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, अन्यथा उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा. आगे देखिए असम 2018 का दिखाता है. इसमें देखिए कि ऑल द नेम्स अपेयरिंग द NRC 1951 और एनी ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स अप टू द मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971, यानी कि 24 मार्च 1971 के मध्य रात्रि का NRC 1951 या किसी भी चुनावी रोल में दिखाई देने वाले सभी नामों को विरासत डेटा कहा जाता है. यानी कि इस पर का NRC में शामिल करने के लिए जो है वो दो आवश्यकताएं होती है, दो रिक्वायरमेंट्स होती है जिनको पूरा करना पड़ता है. सबसे पहले कहती है कि एक्सिस्टेंस ऑफ अ पर्सन नेम इन द प्री 1971 पीरियड, कि 1971 अवधि में एक व्यक्ति के नाम का अस्तित्व है, या फिर दूसरा कहता है कि प्रोवाइडिंग लिंकेज विद दैट पर्सन, या उस व्यक्ति के साथ कोई संबंध रहता हो, यानी कि आप लोगों को पता है कि उसका दादा हो, फादर हो, या परदादा हो, दादी हो, मतलब उनमें से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ उसका कोई एक रिलेशन रहा हो तो उस आधार पर हम उसको शामिल कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए कि ये कहता है कि द प्रोविजन गवर्निंग NRC अपडेट इन असम आर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 था, और दूसरा द सिटीजनशिप रूल्स 2003, यानी कि 2003 के उधर नागरिकता था जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन नागरिकों पंजीकरण और इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि उनके जो राष्ट्रीय पंजीकृत हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड को इशू करना था. आगे देखिए जो डिमांड है, द डिमांड टू अपडेट द NRC ऑफ 1951 और फर्स्ट रेज्ड बाय द ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, यानी कि आसू के द्वारा ये करी गई थी कि इसमें बताया गया था कि 1951 के NRC को के जो अध्ययन थे उनकी करने की मांगों को सबसे पहले 3 दशकों से पहले सभी असम संघ छात्रों और असम गण परिषद द्वारा उठाया गया था. गैर अवैध विशेष अवैध असम आंदोलन शुरू करने के 2 महीने के बाद ही, यानी कि इट द ऑर्गेनाइजेशन हैड सबमिटेड ए मेमोरेंडम ऑफ द सेंटर ऑन 18 जनवरी 1980, 2 मंथ आफ्टर लॉन्चिंग द एंटी इलीगल फॉरनर्स असम मूवमेंट, यानी कि जो 2 महीने के बाद संगठनों ने 18 जनवरी 1919 को केंद्र में एक जो ज्ञापन है वो प्रस्तुत किया था.
अब देखिए, ये जो ज्ञापन प्रस्तुत करने की बात था उसकी बात थी कि कसम समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उन्होंने 17 नवंबर 1999 को अधिकारी स्तर पर एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई थी और उसमें एक निर्णय लिया गया था कि और एनआरसी को अपडेट किया जाए, यानी कि डिसीजन टेकर देता है एनआरसी वुड बी अपडेटेड। और उसमें अपडेट करने के बाद इस उद्देश्य के लिए जो केंद्र ने 20 लाख रुपए की मंजूरी और 5 लाख रुपए जाने करने के लिए आदेश दे दिए थे, यानी कि अभ्यास शुरू कर दिए थे। और उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उनकी सरकार ने भी 5 मई 2005 को एनआरसी को अद्यतन करने का अंतिम निर्णय ले लिया था, यानी उसको जारी करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। और उसके बाद सरकार ने देयर आफ्टर द गवर्नमेंट क्रिएटेड डायरेक्टरेट फॉर अपडेटिंग द एनआरसी, और उसके बाद सरकार ने एनआरसी को अद्यतन करने और 1971 मतदाताओं की जो सूची है, उसको कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया के लिए एक निदेशालय बनाया गया और 1951 का एनआरसी जो है वो शुरू कर दिया गया था। अब देखिए, बात करते हैं द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये जो अधिनियम है 4 तरीकों का उल्लेख करता है, जिसमें एक व्यक्ति को बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजन बाय बर्थ एंड डिसेंट आर कॉल्ड नेचुरल सिटीजन। मतलब किसी एक व्यक्ति है जो भारतीय नागरिक हो सकता है, उसे जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण और प्राकृतिकरण द्वारा उसे नागरिकता दी जा सकती है। जन्म और वंश के द्वारा नागरिकता ही प्राथमिक नागरिकता कहा जाता है। अब देखिए, इसमें बात करते हैं कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे संविधान के अंदर पार्ट सेकंड में आर्टिकल आर्टिकल जो हमारा है 5 से लेकर के 11 तक, यानी कि ये जो 5 से लेकर 11 तक है ये नागरिकता की बात करते आए। और भारत में आपको पता है एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है और इस अनुच्छेद में केवल यह प्रावधान किया गया था कि भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 11 है वो संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी प्रदान करता है। और इस अधिकार का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता के संबंध में नागरिकता अधिनियम 1925 बनाया था, जिसमें कई तरीके के संशोधन किए जा चुके हैं। अब देखिए, ये जो इसमें संशोधन क्या किया गया, मैं आपको थोड़ा सा इसमें 1955 के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे चलने से पहले, कि इसमें जो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता दी गई थी वो किस तरीके से लगाया गया थे कि पाकिस्तान से भारत आने व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता है, दूसरा पाकिस्तान को आवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता है, दूसरा भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्तियों की नागरिकता है और विदेशी नागरिकता की समाप्ति है। ये सारे के सारे जो चीज़ें हमारे इसमें नागरिकता अधिनियम में डाले गए थे। और इसी के द्वारा जैसे बताया गया है कि संसद द्वारा जो हमारा निर्मित नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन किस तरीके से ले रखते हैं, जैसे जन्म द्वारा नागरिकता बाय बर्थ दिखा रखा है, यानी कि 26 जन 1950 के बाद जो नागरिकता संशोधन आम 1986 के पूर्व भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति तब भारत का नागरिक होगा जब उसने या उसके माता पिता में कोई भी भारत का नागरिक रहा हो। और उसके आधार पर दूसरा है बाय डिसेंट, देशीकरण के द्वारा, और तीसरा है वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, ये सारी की सारी हमारी नागरिकता अधिनियम में आते हैं। नेक्स्ट बात करता है द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003, जिसमें बताया गया है कि नागरिकता नियम 2003 के नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर। देखिए, इसमें यह बताता है कि भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर गठन के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण की के लिए राष्ट्रीय जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल भारतीय हैं वो राष्ट्रीय रजिस्टर को स्थापित करेंगे और बनाएंगे। दूसरा कहता है कि द नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन शैल बी डिवाइड इनटू सब पार्ट, मतलब जो ये है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन इसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे कि स्टेट रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन अलग बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन अलग बनाया जाए, तीसरा है द सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन अलग बनाया जाए, और उसके अलावा लोकल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन वो अलग बनाई। मतलब ये सारे जो हैं इनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाय ऑर्डर कंसल्टेशन विद द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन
रजिस्ट्रेशन मतलब जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल हैं उसको वो केंद्र सरकार से परामर्श करने के बाद ही इस तरीके के जो विवरण उनको निर्दिष्ट करे और उनको उसमें बाद में शामिल करे। अब देखिए इसमें बता रखा है कि एनआरसी का डायरेक्टरेट है किस तरीके से। अगर मई 2005 की बात करते हैं तो प्रपोजल टू सेट अप ए डायरेक्टरेट टू अपडेट द 1951 एनआरसी विद इन द 2 ईयर्स मेड ड्यूरिंग द ट्रिपल ए टॉक्स अमोंग आसू दिसपुर एंड दिल्ली। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस करा था कि आसू ने जो असम संघ था उसकी बैठक हुई थी उसमें बातचीत करी थी कि त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ था। उसके बाद जून 2005 में अपडेट हुआ था कि दिसपुर सेट अप टू द डायरेक्टरेट बट विद इन विद अ स्टाफ फॉर लेस देन द प्रपोज 21 मेंबर। इसके जो पहले डायरेक्टर रहे थे वो हमारे दीपक शर्मा थे जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी थे होम एंड पॉलिटिकल के। और इन 2009 में हमारे पीपी बारुक टेक्स थे जिन्होंने लिया था सिंस अक्टूबर 2001 के, इसमें नोटिफाई नहीं किया था डायरेक्टर कौन है। इसमें एनआरसी की अपडेट हुई थी कि जून 2010 में जिसमें दिसपुर इनिशिएट्स द पायलट प्रोजेक्ट इन छायगांव एंड बरपेटा टू अपडेट एनआरसी, जिसमें अपडेट किया गया था इसको। फिर आता है अगस्त 2012 में हमारे चीफ मिनिस्टर तरुण गोसाई ने कहा था एनआरसी वुड बी अपडेटेड विद इन द 3 ईयर्स मतलब अगले 3 साल में जो है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। प्रोफेसर स्टेट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टर इंक्लूडेड स्टाफ ऑफ सिस्टी से। उसके बाद दिसंबर 2012 में टेंटेटिव किया गया था कि किसी 42 लीजल कंसल्टेशन होता आफ्टर नोट फॉर द सेंटर, मतलब इस तरीके से अपडेट करने की इनका बात की गई थी। अब देखिए इसके जो की फैक्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो इसमें जो दिखा रखा है कि द रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट एक्सरसाइज विल बी हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल एनआरसी असम, कि वहां पर इतने संशोधन हुए थे इसको अपडेट करने की हर बार बात की गई थी तो संशोधित लागत तुमान अभ्यास असम के अंतिम एनआरसी की तैयारी मदद करेगा। और ये प्रकाशन अंतिम है जो एनआरसी के लिए प्रस्तावित दिनांक जो दिया गया था वो 31 दिसंबर 2007 रखा गया था जिसमें इट कवर्ड 1.90 करोड़ पर्सन आउट ऑफ 3.29 करोड़ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग विद द नेम्स ऑफ दोज एप्लीकेंट रिस्पेक्ट्स ऑफ होम। यानी कहता है कि वो इसमें जो प्रस्तावित दिनांक 31 दिसंबर 2017 को जो निर्धारित किया गया था और इसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.90 करोड़ जो व्यक्ति हैं वो शामिल हैं जिनमें उन आवेदकों के नाम शामिल हैं और जिनके संबंध में सत्यापन की पूरी प्रक्रिया की जो हो गई है और बाकी जो शेष मसौदे तैयार करे हैं उन्हें पब्लिश कर दिया जाएगा 30 जून 2018 तक। यानी कि 30 जून 2018 तक शेष आवेदों के सत्यापन के बाद प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद दावों और वस्तुओं के जो अंतिम एनआरसी प्रकाशित करने वाले होंगे के लिए प्राप्त किया जाएगा और निपटान किया जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा इसी के साथ ही जो हमारे असम के सीएम थे उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि जिन लोगों को एनआरसी मसौदे में नहीं है वो किसी भी तरीके से परेशान ना हो, उनका नाम शामिल कर दिया जाएगा। और देखिए इसमें दिखा रखा है कि द ड्राफ्ट हैड नेम्स ऑफ 1.9 करोड़ नेम्स आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट 3.20 करोड़ इन द असम रिकॉग्नाइज देम एज अ इंडियन सिटीजन। ये कि वो उसमें से 1.9 करोड़ जो लोग हैं उनको बता दिया गया है कि वो इंडियन सिटीजन है। अब देखिए इसके आगे चैलेंज जो आते हैं चुनौतियां हैं वो क्या है। सबसे पहली बात करते हैं हम क्लेम्स में जो दावा करते हैं कि इसमें जो लिस्ट है वो पब्लिश्ड होती है कि द लिस्ट पब्लिश इज द फर्स्ट ड्राफ्ट जो प्रकाशित करता है कि पहला ड्राफ्ट है और द एंड विद वेरिफिकेशन ऑफ द रिमेनिंग एप्लीकेशन सब्सिक्वेंट ड्राफ्ट वुड बी द पब्लिश्ड। यानी कि यह कहता है कि जो शेष आवेदकों को सत्यापन के बाद में ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि अगर नागरिकता का नाम इसके अंदर गुम है मतलब कर दिया जाएगा। और दूसरा देखिए इसमें बताता है कि इफ अ सिटीजन नेम इन मिसिंग अगर किसी नागरिकता का नाम इसमें गुम है तो एक आपूर्ति दर्ज करता है। यानी कि उसमें जो उसके आवश्यक दस्तावेज हैं उनके साथ दर्ज करता है और अनुरोध कर सकता है कि उसका नाम जो है वो शामिल किया जाए। मतलब उसको जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो दिखाने पड़ेंगे कि मेरा नाम इसमें दर्ज नहीं है और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर मेरा नाम उसमें दर्ज कर दिया जाए। और आगे के दावों के बाद जो एनआरसी के अध्ययन करने की जो प्रक्रिया पूरी होने पर एक सुरक्षा चुनौती है जो संभवतः उभर कर आ सकती है। यानी कि सबसे बड़ी बात जो करी गई वो सुरक्षा की बात की गई इसके अंदर कि एक सिक्योरिटी चैलेंज कुड बी पॉसिबिलिटी इमर्ज हो सकती है। दूसरा आता है आपका पोस्ट मैरिज माइग्रेशन यानी कि जिसको कहा जाता है शादी विवाह प्रवास जिसको कहा जाता है आफ्टर मैरिज। यानी कि विवाह के बाद प्रवासित लगभग 29 लाख महिलाएं यानी कि 29 लाख जो वुमेन्स है हु हैव माइग्रेटेड आफ्टर मैरिज।
यानी कि उन्होंने जो 29 लाख महिलाएं निवास की स्थिति के लिए दावा कर चुकी है और उनका दावा जो है वो ग्राम पंचायत यानी कि दिस क्लेम इज सपोर्टेड बाय द सर्टिफिकेट ऑफ ग्राम पंचायत सचिव और जो दूसरा है हमारे कि कार्यकारी जो मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्रों द्वारा जो वो है समर्पित है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इन दस्तावेजों के जो अनुमति तो दी जा सकती है बट इट कोड बाय नो मीन्स टेक एज अ प्रूफ फॉर सिटीजन, परंतु इन चीजों को हम एक नागरिकता के प्रूफ के तौर पर हम इन्हें सबूत के तौर पर हम नहीं मान सकते हैं। और जो चुनौती आया है इसमें कि द इसमें जो दिखा रखा है कि द चैलेंजेस लाइज इन द वेरीफाइंग द ऑथेंटिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन द क्लेमेंट एंड द लीगेसी पर्सन हु हैज टू बी अ सिटीजन। ये कहता है कि जो चुनौती दावेदार और विरासत व्यक्ति है जो नागरिक का होना है के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता पुष्टि करने में जो है इसकी निहित है। नेक्स्ट जो देखते हैं नेक्स्ट वो आता है सिटीजनशिप बिल यानी कि नागरिकता विधेयक। और इसमें देखिए केंद्र नागरिकता द सेंटर इज पुशिंग फॉर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2016 यानी केंद्र जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के लिए जो वो दबाव डाल रहा है। इट सीक्स टू ग्रांट सिटीजन टू हिंदू बांग्लादेशी हु हैव एंटर्ड असम इलीगली पोस्ट 1971 यानी कि यह हिंदू बांग्लादेशियों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है और जिन्होंने 1971 के बाद अवैध रूप से असम में प्रवेश किया था। और नेक्स्ट करता है कि वेरियस ग्रुप्स हैव अपोज्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन यानी कि विभिन्न समूहों ने धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों की पहचान का भी जो है वो विरोध किया है। और यह जो अनसुलझा नागरिकता संबंधी मुद्दा एनआरसी के सकारात्मक नतीजे के लिए जो है वो चुनौती दे सकता है भले इसको पूरा कर ले इफ इन इवन इफ कंप्लीटेड। देखिए एनआरसी का वो है जिसमें सबसे पब्लिकेशन ऑफ पार्ट ड्राफ्ट एनआरसी है अचीवमेंट सो फार है जिसमें दिखा रखा है कि कॉल सेंटर्स है एसएमएस रिजल्ट डिलीवर्ड तो बाय ऑन डिमांड और एआरएन सर्च पोर्टल हिट काउंट है और वेबसाइट्स विजिट्स वगैरह है। देखिए वाईएन न्यूज़ ये न्यूज़ में मुद्दा क्यों रहा था इसके लिए देखते हैं कि असम के लिए जो अद्यतन दिखाया गया जो कुछ राष्ट्रीय नागरिकों का जो पहला मसौदा हाल ही में असम सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें जो महत्व है कि इसमें जो बता रखा है कि असम इज़ द ओनली स्टेट दैट हैड प्रिपेयर्ड एनआरसी मतलब असम जो है वो एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सन 1951 में एनआरसी तैयार किया था और इट हैज़ ऑल्सो नाउ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इट्स ऑन अपडेटेड एनआरसी यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट प्राप्त करने वाला भी यह पहला राज्य बन चुका है। और आगे देखिए जिसमें बताया गया है कि द रजिस्टर इज मीन टू एस्टेब्लिश द क्रेडेंशियल्स ऑफ बोनाफाइड सिटीजन एज अ डिस्टिंक्टेड फ्रॉम अ फॉरेनर दिस इन गाइज फॉर्म ऑफ अ फॉरेनर यानी क्या करता है कि रजिस्टर एक विदेशी नागरिक रूप में एक विदेशी नागरिक के प्रमाण पत्र स्थापित करने के लिए है। नेक्स्ट कहता है कि बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाने के लिए है कि जो अवैध रूप से 24 मार्च 1971 के मध्यरात्रि के बाद असम में प्रवेश कर सकते थे और यह कट ऑफ तारीख मूल रूप से 1985 समझौते से सहमत थी। नेक्स्ट देखिए कि जिसमें दिखा रखा है कि असम पब्लिश फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जिसमें आगे देखते हैं कि हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो कहते हैं कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग एंड थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। अगर आपके पास ज्ञान है तो वो आप जो है वो महान बन सकते हैं आपको महान बनने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है। बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ।